हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज तारीख हो चुकी है 24 सितंबर 2022 और हर रोज़ की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2023 को लेकर, इसके साथ ही आने वाले टी20 वर्ल्ड कप भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ को लेकर भी काफ़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। आईपीएल की डेट, आईपीएल ऑक्शन की डेट, इसके साथ ही आईपीएल ऑक्शन के नियम, बहुत सारी अपडेट्स इस वीडियो में होने वाली हैं। तो ऐसे में आप लोगों को इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, से हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। और ये कल फाइनली ऑफिशियली बीसीसीआई के द्वारा अब आईपीएल 2023 ऑक्शन की डेट हमारे सामने अनाउंस कर दी गई है, जहां पर हमने आपको कल एक कंप्लीट डिटेल वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से बीसीसीआई अब आईपीएल के ऑक्शन की डेट को फाइनलाइज करने वाली थी। और उसी तरीके से बीसीसीआई ने कल आईपीएल के ऑक्शन की डेट अनाउंस कर दी है, जहां पर इन्होंने ये कहा है कि 16 दिसंबर को हमें आईपीएल की नीलामी देखने को मिलने वाली है। वैसे तो 16 दिसंबर के साथ एक और चीज बोली गई है कि आईपीएल की नीलामी अगर 16 दिसंबर को नहीं होगी तो फिर ये 23 दिसंबर को होगी। और जैसा कि आप लोगों ने अगर हमारी कल वाली वीडियो देखी हो तो वहां पर हमने आपको क्लियरली बता दिया था कि 23 दिसंबर इसकी डेट अनाउंस की गई है। तो ऐसे में 16 दिसंबर या फिर 23 दिसंबर, इन दोनों में से किसी एक डेट को आप लोगों को आईपीएल का ऑक्शन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में। और ये बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है ट्रेड विंडो के रिगार्डिंग, और ये अपडेट भी बीसीसीआई ने ही दे दी है, क्योंकि ट्रेड विंडो के रिगार्डिंग बहुत सारी अपडेट्स हमारे सामने निकल कर आ रही थी। तो इन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि रविंद्र जडेजा को ट्रेड के लिए ऑफर किया गया था दिल्ली कैपिटल्स की टीम के द्वारा, और उसके साथ ही दो और भी ऐसी टीमें थी जो कि रविंद्र जडेजा को ट्रेड करना चाहती थी। और अगर आप लोग हमारे चैनल के एक्टिव व्यूअर हैं तो आपको पता है कौन सी वो दो टीमें, हमने आपको इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बनाकर दी थी। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने रविंद्र जडेजा को ट्रेड करने से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने ये तो बता दिया कि जडेजा को उन्होंने ट्रेड करने से मना कर दिया, और सीएसके की टीम नहीं चाहती है कि जडेजा उनकी टीम से जाए। लेकिन इसमें भी हमें कोई सरप्राइज नहीं है, ये भी हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि एमएसडी और सीएसके मैनेजमेंट नहीं चाहते हैं कि जडेजा जाएं। लेकिन मेन पॉइंट है कि क्या जडेजा उनको छोड़कर जाना चाहते हैं। तो ऐसे में अभी उस बात का हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जो चीजें हो रही थी ये तो हमें जडेजा की साइड से ही देखने को मिल रही थी। होपफुली जडेजा हमें सीएसके के साथ ही स्टिक करते हुए देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में। और गाइस, ये अपडेट निकल कर आ रही है गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ से, जहां पर ट्रेड विंडो में अचानक अब एक के बाद एक काफी सारी अपडेट्स हमारे सामने निकल कर आ रही हैं। दरअसल गुजरात टाइटंस की टीम की साइड से अपडेट निकल कर आई है कि इनको दो ट्रेड ऑफर की गई थी, इसमें से एक ट्रेड के बारे में तो हमने आपको बताया था, और ये ट्रेड थी रवि शाही किशोर की। शायद अभी दो तीन दिन पहले हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि रवि शाही किशोर को ट्रेड करना चाहती हैं बहुत सी टीमें, क्योंकि गुजरात की टीम इनको उतने प्रॉपर चांस नहीं दे पा रही है। और इसके साथ ही राहुल तिवाटिया को भी ट्रेड का ऑफर दिया गया है गुजरात टाइटंस की टीम में। तो ऐसे में इन्होंने इन दोनों ही ट्रेड को फिलहाल के लिए डिनाई कर दिया है। तो ऐसे में आप लोग अब क्लियरली देख सकते हैं कि जो ट्रेड विंडो है वो धीरे धीरे काफी फास्ट होने लगी है, और जैसे जैसे दिन आगे बीतेंगे वैसे वैसे आप लोगों को इस बार कुछ बड़ी ट्रेड देखने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टीमें हैं जो कि अपनी टीम को स्ट्रांग बनाना चाहती हैं। अब मेगा ऑप्शन आने वाला है नहीं, ऐसे में ट्रेड विंडो ही इनके पास एक ऑप्शन बन जाता है अपनी टीम को और भी ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, और ये निकल कर आ रही है मिनी आईपीएल या फिर साउथ अफ्रीकन टी20 लीग के रिगार्डिंग, जहां पर काफी ज्यादा सरप्राइजिंगली साउथ अफ्रीकन टी20 लीग जो कि भारत में अपने पैर पसारना चाहती थी, और ये चाहते थे कि भारत में इनको अच्छी खासी व्यूअरशिप मिले, लेकिन गाइस भारत में किसी भी चैनल ने इनको ब्रॉडकास्ट करने से मना कर दिया है। यानी कि मिनी आईपीएल दिखाने के लिए भारत में इनको कोई भी ब्रॉडकास्टर नहीं मिले हैं, और अगर भारत के हिसाब से इनको ब्रॉडकास्टर्स नहीं मिल पाते हैं तो फिर इनके लिए दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि फिर उस केस में इनको किसी इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग चैनल को भारत में लेकर आना पड़ेगा, जिसमें जो इंटरेस्टेड लोग हैं उस पर देख पाएं, लेकिन उसमें इनको उतना ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट नहीं हो पाएगा जितना अगर भारत का एक एस्टेब्लिश ब्रॉडकास्टर इनको रिवेन्यू जनरेट करवा पाता। तो ऐसे में मिनी आईपीएल के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में, और ये निकल कर आ रही है जो कल हमने मुकाबला देखा भारत और ऑस्ट्रेलिया का, वहां पर आप लोगों ने ख्याल किया होगा कि बारिश तो हुई ही नहीं, लेकिन जो लास्ट दिन की बारिश थी उसी को साफ करने में इतना ज्यादा टाइम लग गया कि हमें 20 ओवर का मुकाबला 8-8 ओवर का देखने को मिला, और इसके ऊपर फैंस काफी ज्यादा गुस्सा हैं। दरअसल उनका मानना है कि आईपीएल या फिर इसके साथ ही बीसीसीआई जितनी भी चीजें करती रहती है उससे उनके पास काफी सारा अमाउंट है, काफी सारा पैसा उनके पास रहता है, लेकिन इसके बावजूद वो एक एयर ड्रेनेज सिस्टम नहीं लगा पा रहे हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से मैकेनिकली, मतलब खुद इंसानों के द्वारा वहां पर इसको साफ करने की कोशिश की जा रही थी। पिच क्यूरेटर्स, वहां पर जितने भी ग्राउंड्समैन हैं उनको अपने हाथ से इसको साफ करना पड़ रहा था। शायद बेंगलोर ही एक ऐसा पिच है अगर हम लोग गलत नहीं है जहां पर एयर ड्रेनेज की जो सुविधा है वो उपलब्ध है, अगर कोई और ऐसा ग्राउंड है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से बेंगलोर में वो जल्दी
जल्दी जल्दी साफ हो जाता है। अगर वो फैसिलिटी यहाँ पर भी होती तो शायद हमें कहीं ज़्यादा ओवर्स का मुकाबला देखने को मिलता। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट के बारे में, और ये दो टीमों की तरफ से निकल कर आ रही है, जहाँ पर राजस्थान रॉयल्स और उनके साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, दोनों ही टीमों के लिए अच्छी खबरें निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले तो राजस्थान रॉयल्स की टीम की साइड से अपडेट है कि यशस्वी जायसवाल जो कि उनके ओपनर हैं, आने वाले टाइम में इनके फ्यूचर हैं, सिर्फ 20 साल की इनकी उम्र है, बिल्कुल ही खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं। दरअसल इन्होंने अभी जो दिलीप ट्रॉफी फाइनल हमें देखने को मिल रहा था वहां पर शतक बनाते हुए नजर आए हैं। इससे पहले रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में इन्होंने 100 लगाया था, रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल के एक ही मैच में इन्होंने 200 लगा दिए थे, इसके बाद रणजी ट्रॉफी के फाइनल में इन्होंने 50 लगाई थी, उसके बाद दिलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में इन्होंने 200 लगाया, उसके फाइनल में 100 लगा चुके हैं। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फॉर्म में हमें नजर आ रहे हैं, और शायद आरआर की टीम के लिए भी इसी तरीके से खेलना कंटिन्यू करें। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं, इसमें जो दूसरी अपडेट है वो है आरसीबी की टीम की साइड से, तो उनके भी जो कैप्टन है फाफ डुप्लेसी, वो हमें आईपीएल 2022 में थोड़े से अपनी फॉर्म से आउट ऑफ टच नजर आ रहे थे, तो ऐसे में उन्होंने भी सीपीएल में खेलते हुए शतक बनाया है 59 गेंदों पर, 10 चौकों और 6 छक्कों के बाद इन्होंने 103 रन की पारी खेली, 174 का स्ट्राइक रेट था इनका। तो ऐसे में फाफ डुप्लेसी भी हमें अब फॉर्म में आते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि अच्छा साइन है आरसीबी की टीम के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट के बारे में, और ये निकल कर आ रही है आईपीएल 2023 के शेड्यूल के रिगार्डिंग। दरअसल बहुत सारी अनाउंसमेंट हमें ऑक्शन के रिगार्डिंग तो देखने को मिली ही हैं, लेकिन इसके साथ ही आईपीएल 2023 कितनी तारीख से स्टार्ट होगा ये भी बता दिया गया है, और बीसीसीआई ने बताया है कि आईपीएल 2023 आप लोगों को मार्च महीने के एंड में स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा। ये हमने भी आपको पहले कहा है कि मार्च महीने के एंड से लेकर जून महीने के लास्ट तक ये जो विंडो है ये सेपरेट की जाने वाली है, ताकि कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट हमें इसमें देखने को ना मिले। तो ऐसे में इस टाइम पर आईपीएल देखने को मिलेगा, जिसका मतलब है विमेंस आईपीएल का भी। आप लोग यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि अगर मार्च लास्ट पे आईपीएल को स्टार्ट करना है तो मार्च महीने की स्टार्टिंग से ही आपको विमेंस आईपीएल स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है सभी 10 की 10 टीमों के बैलेंस पर्स को लेकर, जहां पर बैलेंस पर्स के रिगार्डिंग भी ये पूरी पूरी उम्मीद थी कि इस बार हमें सभी टीमों का बैलेंस पर्स बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। उम्मीद क्या, हमने आपको कल वाली वीडियो में ही ये बताया था, और बार बार हम आपको बताते हुए आ रहे थे कि बैलेंस पर्स इस बार वापस से इंक्रीज होगा, क्योंकि बीसीसीआई चाहती है कि वो थिंग्स को स्पाइस अप करे, क्योंकि अगर मिनी आईपीएल का ऑक्शन होता तो ज़्यादा बैलेंस पर्स होता नहीं, ज़्यादा बड़ी बिडिंग हो नहीं पाती और ऑक्शन उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता। तो ऐसे में 90 करोड़ जो सभी 10 के 10 आईपीएल टीमों का बैलेंस पर्स था उसको बढ़ाकर अब 95 करोड़ ऑफिशियली कर दिया गया है, यानी कि हर एक टीम के पास 5-5 करोड़ रुपये एडिशनल होंगे, जिसका मतलब है आईपीएल की नीलामी में थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा पैसे लगाना अफोर्ड कर पाएंगी, जो भी अगर किसी कॉस्टली प्लेयर को अपनी टीम में शामिल करना चाहती हैं। तो गाइज ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।